हेलो एवरीवन, आज मैं आपको लेके आई हूँ प्रयागराज में लगा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। यहाँ फर्नीचर, डेकोर, लाइफस्टाइल, ऑटोमोबाइल सारी चीज़ें हैं। डांडिया भी है, डांडिया भी आप खेल सकते हैं। वैसे ऑर्केस्ट्रा चल रहा था जब हम गए थे, टिकट लेने पड़ेंगे, 20 रुपीज़ ईच था और काफ़ी अच्छी एरिया में था, अंदर एसी वगैरह लगा हुआ था। दो बड़े बड़े नहीं टेंट टाइप लगे हुए थे, एक में हम फर्स्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें तो पूरा वुड फर्नीचर ये सब था, नेक्स्ट में कपड़े वगैरह थे। तो पहले हम फर्नीचर की बात करते हैं। काफ़ी अच्छे सोफ़े थे जो कि इन्होंने बाहर से लेके आए थे ऐसा ये बता रहे हैं, और अच्छा लग रहा था फर्नीचर देखने से, अच्छा लग रहा था। मेरे लेफ्ट में आपको डाइनिंग टेबल्स वगैरह दिखेंगे, राइट में सोफ़े वगैरह पड़े हुए थे। सोफ़े मुझे अच्छे लग रहे थे इनके। झूले वगैरह थोड़े से महंगे थे कि आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, सस्ते मिल जाएंगे। यहाँ पेंटिंग वगैरह थी जो कि 25,000 मतलब काफ़ी कॉस्टली था। लेने वाले लोग ले भी रहे थे, वैसे देख ज़्यादातर रहे थे, ले तो बहुत रेयर लोग रहे थे। अच्छा लग रहा था, लेकिन काफ़ी चीज़ें यहाँ पे रीजनेबल लग रही थी। जैसे मैट्स वगैरह आप देखेंगे, जो कारपेट वगैरह है, ये अगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो आपको दे देंगे सस्ते में, बट फिर भी इनकी 15,000 से स्टार्टिंग ये बता रहे थे मुझे। और क्वालिटी वाइज ओकेश था, कोई बहुत वो नहीं था। इनके शू रैक मुझे बहुत अच्छा लगे, अगर मैं रिकमेंड करूँ किसी को तो शू रैक मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी फोल्ड अच्छे से हो रहा था, मतलब एकदम इंटैक्ट टाइप था। कहीं भी आप इसको अगर फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो उसको लगा सकते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप कार में, जैसे पिकनिक के शौकीन हैं तो कार में ना रख के इसको लेके जा सकते हैं, ये अच्छा लगा। यहाँ पर भी एक्स्ट्रॉल था, मैट्स वगैरह थे। ये लाइट्स सबसे अच्छी मुझे लगी, बट जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत ट्रेड फेयर वगैरह में तो कॉस्टली होता है, बट यहाँ थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली था, 10,000 से बता रहे थे, 10,000। मैंने एक सिंगल पूछा तो मुझे उन्होंने शायद 1200 ऐसे कुछ बताया, तो मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा था, तो उतना नहीं मुझे चीप लगा कि लेने लायक है कुछ। ये मूर्तियाँ बेहद खूबसूरत थी, ब्रास की थी, बाहर से आई हुई थी और बहुत ही सुंदर थी। अगर आप जाएं तो उनको ज़रूर देखें, मैं बहुत सुंदर लग रही थी, और लेकिन बहुत टू कॉस्टली, मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगी थी। यहाँ एज़ यूजुअल जैसे आप कभी भी किसी भी ट्रेड फेयर में जाते हैं तो शॉपिंग वगैरह के ये ज़रूर होता ही है, तो ये मैंने देखा, मुझे अच्छा लग रहा था, बट मैं देख रही थी आप लोगों के लिए शूट कर रही थी कि शायद कोई लेना चाहे क्या क्या वहाँ पे स्टॉल्स हैं, तो इसलिए मैं इसको शूट पे ले रही हूँ। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये पनीर इससे बनता है, ये तो स्टीमर है, पनीर वाला भी रखा था। ये मैंने पूछा कि कितने का दे रहे हैं ये ऑयल डिस्पेंसर, तो उन्होंने बताया 800 ईच, मतलब एक छोटा सा, थोड़ा सा महंगा लगा मुझे। ये भी अच्छा लगा जो उन्होंने तीन सेट दे रहे थे, ये बहुत अच्छा लगा। ये मैंने लिया है, सीड्स हैं, इसे एक स्पून आप मिक्स सीड्स हैं, बहुत सारे सीड्स इसमें मिक्स है, सनफ्लावर एंड फ्लैक्स सीड वगैरह, तो बहुत सारे सीड्स मिक्स है। एक स्पून आपको लेना है, आई थिंक 1200 का दे रहे थे डब्बा वो वाला। फिर ये मैंने यहाँ पे इनसे पूछा, भाई ये क्या क्या चीज़ें हैं अवेलेबल, ये किस चीज़ से बने हैं, तो वो क्लियर बता नहीं पा रहे थे जो बैठे हुए लेडी। फिर ये शेक्स वगैरह थे जो कि मुझे ओके लगे, बहुत अच्छे नहीं लगे, जिससे कि इन्होंने बताया कि इससे आप आइसक्रीम भी बना सकते हो, शेक भी बना सकते हो, हॉट भी पी सकते हो, कोल्ड भी पी सकते हो, बट मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। आप अगर जाते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर ट्राई कीजिए, उतना मुझे कोई खास लगा कि मैं इसको परचेज़ करूँ। बाकी यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉल्स थे, गजक वगैरह भी था। ये कराची हलवा था जो कि अलग अलग फ्लेवर में था, बट मुझे उतना कोई खास नहीं लग रहा था, लोग लेकिन ले रहे थे। यहाँ चिप्स वगैरह थे अलग अलग फ्लेवर्स में, करेले के चिप्स एंड आलू के सब थे। ये आंटी बहुत ही फ्रेंडली थी, बहुत अच्छी थी, इनसे मैंने काफ़ी देर तक बात भी की। कंफर्टर वगैरह है, बेड शीट्स हैं, कुशन कवर है, अच्छे दे रही थी। मतलब इनकी शॉप भी है नानी में, तो मैं ज़रूर जाऊंगी इनकी शॉप में। मैट्स वगैरह अच्छे अच्छे थे, इनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन था, तो मैंने इनको बोला है कि मैं आपके शॉप में आऊँगी, तो बोले थी हाँ ठीक है। तो मतलब अच्छा नेचर था, आप भी जब भी जाएँ तो इन आंटी के पास ज़रूर सामान लें, बहुत अच्छा नेचर है, और मतलब बार्गेनिंग भी करोगे तो दे देंगी आपको, ऐसा नहीं है। आगे 3D पेंटिंग्स वगैरह थी, लेकिन मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ बहुत कॉस्टली थी, इसलिए मुझे उतना नहीं। जैसे ज्वेलरी वगैरह थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी, मन भी कर रहा था। बैंगल्स वगैरह टू गुड थे, बट 1,000, 1,500, 2,000 ऐसे जा रहा था रेंज इनका, और मुझे उतना कोई वर्थ नहीं लग रहा था लेने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन इससे बेटर ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो फ़िलहाल मैं आपको दिखाने के लिए शूट कर रही हूँ कि देखिए ये चीज़ें अवेलेबल है, जो नहीं जा पा रहे हैं वो देख सकते हैं, और जिनको देख करके जाना है वो ज़रूर ये वीडियो देखें और जाके चेकआउट ज़रूर करें।
मैंने बैंगल्स वगैरह देखे, मुझे अच्छी लग रही थी बैंगल्स लेने के लिए, बट थोड़ी जैसे मैंने बताया थोड़ी सी कॉस्टली थी तो मैंने नहीं लिया बैंगल्स। रिंग वगैरह थी बट कुछ चीप नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था, क्वालिटी वाइज अच्छा था। यहाँ पे तंदूर दिखा रहे थे, तंदूर में क्या क्या हम बना सकते हैं गैस के ऊपर रख करके, तो वो भी चल रहा था। लोग यहाँ पे जंक ज्वेलरीज वगैरह थी वाइट मेटल एंड ब्लैक मेटल में, वो भी अच्छे ऑप्शन थे। 100 में ईच, कुछ भी लेंगे आप 100 में। बैंगल जो आपने देखा वो 100 में था। ये जो आप देख रहे हैं स्पार्कल वाला, ये 50 रुपीज़ का है। तो यहाँ पे ये ज्वेलरी वगैरह ऑप्शन था। फिर ये यहाँ पे फ्रिज में लगाने के लिए था, ब्रश वगैरह थे। ज्वेलरी का बहुत अच्छे अच्छे शॉप्स थे, ठीक भी थे, रेट्स भी ओके थे, कोई बहुत सस्ते नहीं थे। और ये तंदूर की बात कर रही थी मैं, इसको गैस पे भी रख सकते हैं और लोग ट्राई कर रहे थे। ये पेंटिंग मुझे अच्छी लग रही थी, जैसे मैंने बताया कि बहुत कॉस्टली थी तो मैंने इसको ट्राई नहीं किया। ये 5000 ऐसे बता रहे थे मुझे। मसाजर वगैरह था यहाँ पे, बच्चों के लिए था। सूट के मटेरियल्स थे, ड्रेस मटेरियल्स जैसे होते हैं वो भी था यहाँ पे, जो लोग सिला के पहनते हैं। बाहर वुड का पूरा था, अंदर भी था, बाहर भी वुड का बहुत अच्छा था। मुझे अच्छा लग रहा था, काफ़ी चीज़ें मैंने देखी भी। क्रॉकरी यूनिट है, मंदिर है, टेबल वगैरह अच्छा है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। स्टॉल्स भी लगे थे फूड के। ये पान था यहाँ पे, पता नहीं कैसे अंगारा वगैरह कुछ था। ये चाय थी जो कि नहीं, हुंडे में डाल करके ऐसे गर्म करके देते हैं, तंदूरी चाय, राइट, मैं भूल गई थी, तंदूरी चाय जिसे कहते हैं। स्टॉल्स लगे थे मैगी के, पिज्ज़ा के, अलग अलग। ये डाइनिंग टेबल बहुत अच्छा था, ये वेफर ये भी बना रहे थे, ये भी अच्छा था। बट थोड़ा सा मुझे मूड ऑफ हुआ, क्योंकि ये मतलब बहुत ही लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि आप पूरा एक वेफर का पूरा एक होता है राउंड, वो वन होता है, इन्होंने आधा करके दिया, तो थोड़ा सा मेरा वो हुआ कि आप गलत दे रहे हो। चाय अच्छी थी, चाय आप ट्राई कर सकते हो, चाय बहुत टेस्टी थी। ऐसे एकदम गर्म करके हुंडे को ना ऐसे गर्म करके फिर उसमें डाल रहे थे, तो तंदूरी चाय का फ्लेवर एक होता ना वैसा आ रहा था। दूसरे स्टॉल में फिर हम गए, यहाँ पे कपड़े वगैरह थे, ज्वेलरी यहाँ भी थी, कपड़ों का अच्छा ऑप्शन था। ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे थे, मैंने यहाँ पे खजूर ट्राई किया, बहुत टेस्टी था, लेकिन जैसे मैंने बताया ना बहुत महंगा था, बट हाँ क्वालिटी थी। क्वालिटी की बात करेंगे तो क्वालिटी थी और बहुत अच्छी थी, कंपेयर टू मार्केट, कंपेयर अगर आप कहीं से भी कर रहे हैं, क्वालिटी इनकी टू गुड थी, और वैसे इनके पैसे भी थे तो अच्छी लगी। स्ट्रॉबेरीज थी, मुझे सबसे अच्छा इनका खजूर लगा जो कि स्टार्टिंग में रखा हुआ है, आप जाएं तो ज़रूर ट्राई करें, थोड़ा सा महंगा है बट अच्छा है। तो यहाँ ड्राई फ्रूट जितना भी है हम सब ट्राई कर रहे थे कौन कौन से लेने हैं। फिर यहाँ ड्रेस मटेरियल थे जो कि मुझे नहीं लेने थे। सूट्स वगैरह अच्छे लग रहे थे मुझे, बहुत ही प्यारे, बट पता है ये 3000 का सूट था, 33 ऐसे समथिंग था, मुझे अच्छा लग रहा था बट मैंने कहा बहुत कॉस्टली है यार, ऑनलाइन प्राइस, ऑनलाइन में जाएंगे तो आपको उससे सस्ता मिल जाएगा। मुझे अच्छा लगा था, मैंने अपने ऊपर ट्राई करके भी देखा, मुझे ओके लग रहा था कि हाँ ले लेते हैं, फिर मैंने कहा नहीं यार बहुत महंगा है, आजकल फैशन में है, तो मैंने ट्राई करने के लिए सोचा फिर नहीं लिया। ज्वेलरी मुझे अच्छी लगी, कियारा ने पहनी हुई थी ज्वेलरी अपनी मैरिज में, तो अच्छी लग रही थी। ये वाली मुझे अच्छी लगी, बट जैसा मैंने बताया कि बहुत 5000-6000 का सेट ये दे रहे हैं, थोड़ा सा महंगा है, इसलिए मैंने नहीं लिया ये। ये शॉप मुझे बहुत अच्छी लगी, ये वाली थी, हाँ ये वाली थी, जिसमें इतने अच्छे अच्छे वो नहीं गोलियाँ खट्टी मीठी टाइप की, बहुत अच्छी थी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, हमने बहुत ट्राई किया और वो खिला भी रहे थे, अब ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, हमने लिया भी यहाँ से काफ़ी कुछ बच्चों के लिए। फिर हम आ गए यहाँ पर नहीं अचार वगैरह, फिर हमने अचार भी ट्राई किए। आप भी ज़रूर जाइए, ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी। फिर हम चले गए यहाँ से सीधा घर आने लगे, तो फिर हम खाना खाने गए। ये जयसवाल रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा, यहाँ ज़रूर आइए, ट्राई ज़रूर कीजिए, यहाँ का फूड अमेजिंग है, यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है। मैंने यहाँ से केक वगैरह भी खाया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है, जब भी आप अगर बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो यहाँ ज़रूर आइए, ट्राई ज़रूर कीजिए। कैसा लगा वीडियो मुझे शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और यही जो ट्रेड फेयर लगा है इसको एंजॉय ज़रूर कीजिए, जाइए और एंजॉय कीजिए और शॉपिंग कीजिए, मुझे ज़रूर बताइए कि आपने क्या क्या यहाँ से परचेज़ किया। ओके, बाय बाय।